फ्रेंड्स, आप सबके से उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं ना फालतू का तो मैं चैनल टेक्निकल में फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इनवॉइस की शीट कैसे बना सकते हैं, वो भी एक्सेल में। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आप आइटम का ये बना, मैं आपको इसकी डाउनलोड की लिंक दे चुका हूँ। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा फॉर्म मैंने बनाया है। यहाँ पे एक बटन भी हम आज लगाना सीखेंगे, उसके अलावा अगली दो वीडियो में इसको सेव कहाँ पे करना है वो भी सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये है, मैंने इसमें हर तरह के जो जो फॉर्मूले यूज़ करने थे मैं कर चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर चीज़ में यहाँ पे फॉर्मूलों पर यूज़ हुए हैं। और फ्रेंड्स, जो वी लुकअप के फॉर्मूले हैं वो यहाँ से लिए गए हैं, मतलब यहाँ पर जो जो चीज़ें लिखी गई हैं वो वहाँ पर भी आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है यहाँ पर पूरे 11 नेम्स की। यहाँ पर आप ये कैसे बना सकते हैं अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जितनी क्वांटिटी लिखेंगे, मतलब फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर भी यहाँ पे खुश हो जाएंगे, वन यहाँ पे खुद आ गया और यहाँ पे इसकी सारी चीज़ें लिखी हुई आ गई। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जितनी क्वांटिटी लिखेंगे उसके मुताबिक ये मल्टीप्लाई होकर आंसर आ चुका होगा। अब फ्रेंड्स, आपको साथ ही साथ ये भी दिखा देता हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवॉइस नंबर, यानी कि जो बिल का नंबर है कौन सा बिल नंबर है। यहाँ पे आप NIC की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप फ़ोन नंबर सब फिल कर लेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फिल कर लेते हैं पूरा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सिंपल बस लिख देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ से 0 गायब हो जाएगा अगर गया नंबर। फ्रेंड्स, यहाँ पे NIC नंबर में वो इतना खास नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सेल टाइप की 2 मिलेंगी और फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी डेट खुद ही अपडेट होगी रोज, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल 2 टाइप की हैं, एक इंटर स्टेट सेल है और एक सिंपल स्टेट सेल है। फ्रेंड्स, अगर आप स्टेट सेल पर रखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी 2 बने हुए आ गए, और अगर आप इंटर स्टेट सेल पर रखते हैं, फ्रेंड्स दिखा देता हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स, अगर आप इंटर स्टेट सेल पर रखते हैं तो वो दोनों गायब हो जाएंगे और यहाँ पे एक नया ये आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें फॉर्मूले लगे हुए हैं, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं ये फॉर्मूले इतने सारे यहाँ पे यूज़ हुए हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ये जो फॉर्मूला, ये यहाँ वाले फॉर्मूले, ये भी मैं इसमें डिलीट कर चुका हूँ ताकि आपको मैं खुद बना के दिखा दूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जितनी आप यहाँ पे अमाउंट आएगी वो यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिखी भी आनी चाहिए। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है लेकिन नहीं चल रहा। इसके लिए हमें एक मॉडल तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले हम मेरी वेबसाइट पे चलेंगे जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स, मैं पहले इसको अपलोड कर लेता हूँ, मैंने ड्राफ्ट में रखा था सिर्फ। फ्रेंड्स, ये देखिए इसको मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप व्यू कर लेते हैं हम। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सब बता चुका हूँ और यहाँ पे जो टेम्पलेट मैं आपको यह दिखा रहा हूँ यही चीज़ आपको है ना यहाँ पे डाउनलोड में मिल जाएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ पे आपको 5 फार्मूले मिल जाएंगे कहाँ पे मैंने कौन से फार्मूले यूज़ किए हुए। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अभी मैं आपको जो बताया था अमाउंट इन वर्ड्स का, फ्रेंड्स ये वाला फार्मूला है, इसमें मैंने जो ये ग्रीन कोड दिया है ये आपको मॉडल में डालना है। कैसे डालना है, सबसे पहले इसको आपको कॉपी कर लेना है जहाँ तक ये ग्रीन है। फ्रेंड्स, ये यहाँ तक ग्रीन है तो इसको कॉपी कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, हमें एक मॉडल बनाना है तो हम सबसे पहले डेवलप में चले जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता डेवलप ओपन कैसे होता है, मतलब ये सब तकरीबन एक्सेल में नहीं होता है, आपको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है, कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करके यहाँ पे ये ऑफ हो, यहाँ पे टिक नहीं लगा हो उस पर टिक को लगा के ओके कर देना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपना खुद का बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया टेक्नो ईगल का। फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यू टैब में ये सिर्फ 2010 में होगा और फ्रेंड्स इसमें आप डेवलप में चले जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मिलेगा वर्चुअल बेसिक। फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करके आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है और मॉडल पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मॉडल आ गया, अब इस पर हमने जो कोड कॉपी किया था इसमें पेस्ट कर देंगे और फ्रेंड्स इसमें कंट्रोल एस पे क्लिक करके इसको सेव कर देंगे और कैंसिल कर देंगे। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला है, अब इसमें हम यस करेंगे तो यहाँ पे आपको ये अमाउंट लिखी हुई आ गई। फ्रेंड्स, अब सेव इनवॉइस का, फ्रेंड्स ये जो मैंने बनाया है ये तभी चलेगा जब मैं आपको आगे के सेव इनवॉइस का बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये पूरा मैंने क्रिएट किया है। आप चाहें तो इसको अपने यहाँ स्टोर का नाम भी चेंज कर सकते हैं, उसकी डिटेल भी।
अब फ्रेंड्स, अब हम इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे फील करेंगे तो इसको सबको रिमूव करना कैसे करने हैं एक साथ फ्रेंड्स। मतलब यहाँ पे आप एक एक करके रिमूव करें, इससे अच्छा एक साथ रिमूव करें वो कैसे होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अगर आपको एड न्यू इनवॉइस पे कोड चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करें। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर का ये जो कोड है इसको आपको कॉपी कर लेना है। फ्रेंड्स इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेल में आना है और यहाँ पर दोबारा एक मॉडल बनाना है, इंसर्ट पे क्लिक करके मॉडल पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। और फ्रेंड्स कंट्रोल सेव करके इसको सेव कर देना है और फिर यहाँ पे आपको एक बटन तैयार कर लेना है। बटन यहाँ से ही होगा, आपको डेवलप में आना है या फिर आप इंसर्ट में आके शेप में जाके यहाँ पे आप फ्रेंड्स कोई भी एक स्क्वायर वाला शेप ले लें, उसको यहाँ पे इतना क्रिएट कर लें। फ्रेंड्स इसके अंदर आप लिख लें न्यू इनवॉइस। फ्रेंड्स ये लिखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूरा तैयार हो गया। फ्रेंड्स आपका ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं पहले एक बार कर चुका था इसलिए मेरा ऐसा है। आप इसको यहाँ से वाइट कर लीजिएगा, बोल्ड कर लीजिएगा और जो जो आपको सेटिंग करनी है वो कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, हम कुछ येलो कलर रख लेते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद आपको इस पर लेफ्ट क्लिक करके असाइन मार्को फ्रेंड्स इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो हमने अभी फॉर्मर डाला था वो यहाँ पे आपको खुद यहाँ पे सेफ हो जाएगा, उसको ओके कर देना है। अब फ्रेंड्स ये हो गया, आप यहाँ कहीं भी क्लिक करें और फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये सब हट जाएगा और यहाँ पे आपका एक इनवॉइस बढ़ जाएगा। सही है फ्रेंड्स, आप इसको चाहे तो 100 वापसी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको इसमें सेफ इनवॉइस बटन और लगाने, फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स मैंने खुद की फुल तैयार की हुई है वो मैं आपको दिखा दूंगा। फ्रेंड्स ये मैंने तैयार की थी जिसपे बस सेव एज PDF भी है और सेव इनवॉइस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सेव भी होता जाएगा फ्रेंड्स कि क्या क्या है मैंने जिस क्या क्या फील हुआ है वो भी। फ्रेंड्स ये पोर्ट ST और VAT फ्रेंड्स यही है, मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो फुल फॉर्म लिखा है मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म पे कर दिया है ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको न्यू इनवॉइस भी चलेगा। और PDF फाइल के लिए फ्रेंड्स मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि इसको PDF फाइल में कैसे करते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको यहाँ पे सेव इनवॉइस के इसमें शीट में कैसे डालते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।